जय सेवा सगा साथियों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे 700 आंकड़ा 900 बेतार और खुद पूजा को या पांडुम के बारे में। अगर आपको यह ऑडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां जो कुछ भी बता रहे हैं वह सब कोया पुनेम से लिया गया है। 700 आंकड़ा 900 बेतार और खुद पूजा कोया पांडुम। कोया वंशीय गोंड समुदाय के गणजीव खुट पूजा ये त्योहार आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाते हैं। खुट इस गोंडी शब्द का अर्थ शक्ति होता है। प्रकृति की जितनी भी शक्तियां हैं उन सभी की उपासना को खुट पूजा कहा जाता है। उनकी मान्यता के अनुसार प्रकृति इतनी अद्भुत है कि उसमें जितने भी सत्व हैं वे सभी शक्ति रूप हैं। उनकी सहायता के बिना मनुष्य जीवन दूभर हो जाता है। इसलिए गोंडी पुनेम दर्शन में उन सभी सत्वों की सेवा और उपासना करना हर गंड जीव का कर्तव्य है। जैसे अनखुट, धनखुट, गनखुट, मानखुट, माईखुट, मराखुट, वेलीसूट, चिड़ीखुट, मिच्चोखुट, जाईखुट, मोड़ीखुट, कासोखुट, येरखुट, बड़ीखुट, खड़ेराखुट, भंचाखुट, धंथाखुट, ताराखुट, माराखुट, मूलाखुट, अहेदाखुट, महेदाखुट, ऐसे 176 खुटों की उपासना की जाती है। संक्षेप में कहा जाए तो इस प्रकृति में जितने भी दृश्य और अदृश्य सत्व हैं और जो अपने आप में शक्ति रूप हैं उन सभी सत्वों की पूजा को खुट पूजा कहते हैं। खुट पूजा को आखाड़ी पूजा भी कहा जाता है। धन खुट मतलब धन की शक्ति, अनखुट मतलब अनाज की शक्ति, गंड खुट मतलब मनुष्य जीवों की शक्ति, चीरी खुट मतलब पक्षियों की शक्ति, कत्याल खुट मतलब प्राणी मात्रों की शक्ति, मड़ाखुट मतलब पेड़ पौधों की शक्ति, तरास खुट मतलब रेंगने वाले जीवाश्मों की शक्ति, मिच्चो खुट मतलब बहुपैर वाले जीवाश्मों की शक्ति, सुकुम खुट मतलब तारांगनों की शक्ति, मातिया खुट मतलब चक्रवात की शक्ति, अद्वितिया खुट मतलब तेज शक्ति, येर खुट मतलब जल शक्ति, तोड़ी खुट मतलब धरती की शक्ति, अगास खुट मतलब पोकरण शक्ति। इस तरह सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों की सेवा की जाती है क्योंकि इन सभी शक्तियों का सहयोग जीने के लिए अनिवार्य होता है। इस धरातल पर जितने भी प्राणी मात्र हैं, फिर वे दो पैर वाले हों, चार पैर वाले, छह पैर वाले या बहु पैर वाले हों, पंखधारी हों या बिना पंखधारी, सभी की पूजा की जाती है। ये सभी शक्तियां एक दूसरे के पूरक हैं, जिन पर कोया वंशीय गंड जीवों का जीवन निर्भर होता है। अनखूट और धनखूट की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उनके बिना हम नहीं रह सकते। दयित खूट और मयित खूट की पूजा की जाती है क्योंकि जीवाश्मों को अमृत्व मिल गया तो सभी का जीना दूभर हो जाएगा। देयित खूट यानी जीवनदायिनी शक्ति और मयित खूट यानी जीवन हरणी शक्ति है। अगर जीवनदायिनी और जीवन हरणी शक्तियां अपना कर्तव्य निभाना बंद कर दें तो जन्म मरण का चक्र ही रुक जाएगा, इसलिए उनकी उपासना भी की जाती है। प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाश्म, फिर चाहे वे साधक हों या बाधक, और बड़े से बड़े प्राणी, फिर हिंसक हों या अहिंसक, सभी की सेवा करना अनिवार्य है। इसीलिए कोया वंशीय गोंड समुदाय के गंड जीव इन सभी जीवसत्वों की उपासना खूट पूजा के पर्व पर करते हैं। जिस दिन खूट पूजा की जाती है उस दिन घर आंगन की साफ सफाई की जाती है। सुबह सुबह सभी खूटों के नाम से नैवेद्य चढ़ाया जाता है और साज को पंच पकवान युक्त भोजन तैयार कर उनकी पूजा की जाती है। आकाड़ी इसी पांडुम सन से गोंडी संस्कृति और आकाड़ी पोरा, आकुरपोक, दिवारी और अन्य सनों और संस्कारों की शुरुआत होती है। गोंडी दंडार की भी शुरुआत आकाड़ी से ही होती है। तेका आकी, आकाड़ी पांडुम सन से पहले तेका आकी का उपयोग नहीं किया जाता है, उसके बाद ही गाय की गाय चराने वाला उस आकी का उपयोग करता है। और भी लोग इसे अलग अलग तरीकों से उपयोग में लाते हैं। रोग राई दूर रहे इसलिए गाय की अपने मुरांग गाय के रोज जाने वाले रास्ते पर पट गोंगो डालता है। ऐसा करने से संकट दूर रहता है। आकाड़ी के महत्व। आकाड़ी करने से रोग राई, संकट, आपात और हमारे जानवर मुरांग और हेरेंग को बचाए रखा जाता है। कोई बीमारी रोग ना आए इसीलिए अपने पेन शक्ति को हेरेंग बकरी का बलि चढ़ाया जाता है। अगली जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय कोया पुनेम।